नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, एक दूसरे की मदद करना बहुत ही अच्छी बात है। हर इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इंसान की फितरत है कि एक दूसरे की चीज़ों को बांटना। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे किसी से उधार नहीं लेनी चाहिए। अगर वो चीज़ हम ले लेते हैं तो हमारे घर में धन की बहुत ही कमी होती है और हम लोग धीरे धीरे बर्बादी की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो व्यक्ति हमें दे रहा है, उस व्यक्ति की नकारात्मकता ऊर्जा हमारे पास आ जाती है। दोस्तों, सीधी सीधी बात करें तो उसका बैड लक जो है, उसकी दरिद्रता, उसकी गरीबी, वो हमारे पास आ जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी दूसरे से ना लें। अगर आप लेवे तो तुरंत ही उसको वापस कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं। सबसे पहली है रुमाल। जी हाँ दोस्तों, रुमाल। दोस्तों, रुमाल एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है और रुमाल किसी भी व्यक्ति से उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रुमाल उधार लेने से आपस में मन मुटाव बढ़ता है और आपको धन की हानि भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, किसी दूसरे का रुमाल आप इस्तेमाल नहीं करें। दूसरी चीज़ है घड़ी। घड़ी को कभी किसी से दूसरों से उधार नहीं लेनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। दोस्तों, घड़ी का उधार लेने का मतलब होता है कि खुद को मुसीबत में डालना। घड़ी उधार लिया तो हमारी मुसीबतें बढ़ती ही जाती हैं और हमें धन की हानि होती है, और इसलिए आप किसी से भी घड़ी उधार ना लें, क्योंकि किसी दूसरे का खराब वक्त जो होता है वो आपके पास चला आता है। इसमें तीसरी चीज़ है दोस्तों, बिस्तर। शास्त्रों के अनुसार किसी से बिस्तर उधार लेता है या फिर किसी का बिस्तर यूज किया हुआ लेता है, बिस्तर लेता है तो उस इंसान का भाग्य रुक जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है और वह धीरे धीरे बर्बादी की ओर चला जाता है। इसीलिए बिस्तर किसी से उधार ना लें। अगर आप लेते हैं तो भी वह बिस्तर एकदम स्वच्छ और साफ होना चाहिए। दोस्तों, चौथी वस्तु है कपड़े। वैसे तो हम लोग कपड़े आपस में बांट लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें आपस में कपड़े बांटने नहीं चाहिए। आपस में कपड़े बांटने से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कपड़े बांटने से आपके घर पर दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए दोस्तों, कभी किसी कपड़ों को उधार ना लें। तो दोस्तों, इस वस्तुओं को उधार लेने से बचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।